आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था। न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहां पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है, जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है, और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। मैं इस वक्त वहां खड़ा हूं जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होना है, और यहां से अगर आप तस्वीरें देखिए थोड़ी दूर पर एक जो छोटा सा खंभा सफेद कलर का लगा है, उसके आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वहीं पर भूमि पूजन होगा और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा।